3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघर्ष परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता पिछले कई दिनों से 3 सितंबर को ही अधिवक्ता दिवस मनाते आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस दिन को अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह एवं साथी अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1893 को साउथ अफ्रीका में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, उसी दिन को लेकर रीवा के अधिवक्ता विगत कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने सभी अधिवक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अधिवक्ता दिवस मंगलमय हो। आज काल में जो दूसरे के दुख दर्द मामले मुकदमों विवादों को सुलझाता था उसे लोग संत ऋषि मुनि महिषी कहते थे। आधुनिक काल में जो लोगों के दुख दर्द को अपना सुख चैन भोजन भजन आराम सब त्याग के जो लोगों के विवाद को सुलझाता है उसे अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता एक वैदिक शब्द है। शूल के आयुर्वेद में भगवान शिव को भोलेनाथ को संसार का प्रथम अधिवक्ता कहा गया है। 14वीं शताब्दी में लैटिन शब्द में फिर एडवोकेट आया और मुगल काल में उन्हीं अधिवक्ता को वकील कहा जाता है। आज किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई अधिवक्ता दिवस की? देखिए, ऐसा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका, केवल अगर आप लोग देखते होंगे, अगर कभी न्याय दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, तो सिर्फ एकमात्र वकील अधिवक्ता ही ऐसे हैं जिनको विद्वान शब्द से परिभाषित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। सबका डे है, डॉक्टर्स डे है, इंजीनियर्स डे है, फादर्स डे है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में लाखों लाख एडवोकेट हैं जो न्यायदान के आखिरी और मैंने कहना चाहिए वो चौथे स्तंभ हैं और न्यायदान के आखिरी आशा हैं, न्यायपालिका के आधार स्तंभ हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन वो एक दूसरे को कह सकें या कि आप उनको कह सकें, हम कह सकें। जैसे हम कहते हैं हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी पत्रकार डे, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। हम लोगों के लिए ऐसा कोई डे नहीं है। तो यही हमारी मांग है कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका के लिए, जो अधिवक्ता हैं, उनके लिए एक ऐसा डे हो जिस दिन को वो अपने आप को एक अभिवादन सुन के गौरवान्वित महसूस कर सकें और उत्साहित होकर न्यायदान में सहयोग दे सकें। तो ये 3 सितंबर क्यों लिया हमने? हमारे जो राष्ट्रपिता विश्व शांति के मसीहा महामना महात्मा गांधी जी थे, 1893 3 सितंबर 1893 को सुप्रीम कोर्ट के नटाल साउथ अफ्रीका में APR हुए थे पहली बार पैरवी करने के लिए इंटरनेशनल मुकदमे की। क्योंकि वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी, हमारी मांग इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल डे यही महात्मा गांधी जी के उसके नाम पे 3 सितंबर को हमने चुना। इस मांग को लेके पिछले कई सालों से हम लोग संघर्षरत हैं, यूएनओ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री। चूँकि ये मांग जो है यूएनओ से पारित होना है, जब तक भारत सरकार वहाँ प्रेषित न करेगी तब तक ये होना नहीं है। अब इसको न्यायपालिका, क्योंकि ये जुडिशरी जो एक ऐसी चीज़ है कि न्याय संगत बातों को वो आदेशित भी कर सकती है, तो जब माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेशित करेंगे तो सरकार मजबूर होकर इसको यूएनओ के पटल पर रखेगी और वहाँ पर संसार के सब अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए एक दिवस का ये घोषणा होगा इस तरह से। तो रीवा में दिया गया है, यहाँ जगह है। हाँ, पहले ये शुरुआत 2014 से रीवा में हुआ और अब अधिकांश कई जगहों पे ये इसको मनाने लगे हैं। और अभी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट हमको मिली थी, जो कि मध्य प्रदेश जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने ये रखा था ये कि हाँ हम इसको डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे। और जैसे ही गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एडवोकेट डे को मान्यता दे दी। माननीय PC शर्मा जो भी मंत्री थे उन्होंने इसको कहा कि ठीक है, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का जो क्षेत्राधिकार है मध्य प्रदेश तक है, पर जैसे ही गवर्नमेंट उनकी चेंज हुई तो इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हम लोगों का ये अनवरत संघर्ष चालू रहेगा और ख़ासकर मीडिया से, पत्रकार बंधुओं से, जो जेन्युइन इंटेलेक्चुअल हैं आप लोग, बुद्धिजीवी तबका से आते हैं, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस आवाज़ को इतनी दूर तक उठाएं कि ताकि सरकारें जो हैं और विश्व सरकार जो है मजबूर हो जाए और अधिवक्ताओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए एक ऐसा दिन दें। एडवोकेट प्रोटेक्शन डे, पेंशन, ये सब हमने, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद है, ये तीनों मांगों लेके हम लोग चले थे।
तो एडवोकेट डे उन्होंने मंजूर किया और इवन पेंशन को भी उन्होंने मंजूर कर लिया था। कौन कांग्रेस सरकार ने प्रोटेक्शन एक्ट को भेज दिया था, प्रारूप भी भेज दिया था, लेकिन लागू हो गया कि पेंशन मिलेगी अभी नहीं लागू नहीं हुआ। इसको मांगे नहीं मानी गई हैं, अभी विचाराधीन है, ये चल रहा है, पता नहीं क्यों सरकारें खिसका रही हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोग बतलाएँ, बड़ी सिंपल सी बात है, पेंशन क्यों चाहिए, प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, जब हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो एक असुरक्षित आदमी को जो न्यायदान मांगने हमारे पास आता है, कितने क्रिमिनल्स कितने कौन आते हैं, कौन उनको सुरक्षा दे पाएगा। रही बात पेंशन की, पेंशन एक ऐसी मानी कहना चाहिए भविष्य की सुरक्षा है जिससे लालायित होकर, मान लीजिए हम लोग 60 के आसपास हैं, ये पे जो नए अधिवक्ता जो खड़े हैं, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, जब इनको ये लगेगा कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हम सुरक्षित हैं, अब मान लीजिए कुछ हो जाता है वकील के साथ, नहीं कर पाता प्रैक्टिस, तो कम से कम इतनी सुरक्षा गवर्नमेंट को देनी चाहिए, इतना माने आश्वासन देना चाहिए कि भाई आप पूरे निष्पक्षता से न्यायदान में सहयोग करें, अगर आप रिटायर्ड भी होंगे, आपका जी नहीं चलेगा, आप वृद्धावस्था में आएंगे तो हम आपको पेंशन देंगे ताकि आपका बाकी जो जिंदगी है आपकी वो है, आप सुख में जीवन आप व्यतीत कर सके। एक अच्छी सिक्योरिटी ज्ञापन देने से आपका काम हो जाएगा कि कई वर्षों से आपके सभी मांगे लटकी हुई हैं अभी तक? जैसे देखिए मांगे लटकी हैं लेकिन एक मुकाम तक तो पहुंची, प्रदेश स्तर तक पहुंचा, एक सरकार ने मांगे उसकी मान ली। अब अगर हम ये छोड़ के बैठ जाएंगे, ये मान के बैठ जाएंगे कि मांगे हमारी नहीं मानी जा रही हैं, तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भाई ऐसे आगे लड़ाई इसकी जारी रहेगी किसी और तरीके से? जी हाँ जी जी, अब इसके बाद हम लोगों का एक डेलीगेशन जा रहा है दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करेगा, उनसे समय मांगा गया है, जैसे ही समय दे देंगे उनसे मुलाकात किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप कम से कम देश स्तर पर इसको डिक्लेयर करें, इसको मान्य करें और इस मांग को आप यूनो में प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार सिंह तिवारी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता, रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।